सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। मीडिया से बात कर रहे एक व्यक्ति का वीडियो पोस्ट करते हुए यह दावा किया गया कि यह शख्स शकील अहमद अंसारी है, जो गुजरात में वलसाड के डीपीएस राजबाग में एक टीचर है। वीडियो में यह शख्स सीएए, एनआरसी और होम मिनिस्टर अमित शाह सहित और भी नेताओं के बारे में बात कर रहा है। इस दिन के लिए नहीं कि तुम एनआरसी सीए भी लाकर हमें देश से बाहर करोगे। उस समय सावरकर नहीं आया था लड़ने के लिए, हमारे उलमा अकरामों ने फांसी का फंदा चुमा था। ये अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के बाप का ये मुल्क नहीं है। जो लोग एनआरसी के जरिए हमें कह रहे हैं विदेशी हैं, घुसपैठिया हैं, उनके बाप का मुल्क नहीं है भाई साहब। 800 वर्ष तक मुसलमानों ने इस देश में राज किया, लेकिन हमारी हंडी में उबाल नहीं आया। 5 साल से तुम्हें सत्ता मिल गई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चीलमखोर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और दारूबाज प्रधानमंत्री गृह मंत्री बन के बैठे हुए हैं। देश का सबसे बड़ा गुंडा अमित शाह, जो 6 महीने का तड़ी पार रहा है, इसके लिए कोई बिल लेकर ले आकर इसको देश से बाहर करना चाहिए। कई लोगों ने यह वीडियो ट्वीट किया और फेसबुक पर शेयर भी किया। हर जगह दावा यही था कि ये शकील अहमद अंसारी हैं, जो गुजरात के वलसाड में डीपीएस राजबाग में पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि डीपीएस राजबाग एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन वलसाड तो क्या वो गुजरात में भी नहीं है। डीपीएस राजबाग जम्मू के कठुआ इलाके में है। यानी यहां से सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों का झूठ सामने आता है। इसके बाद हमने इस वीडियो के फ्रेम्स का रिवर्स इमेज सर्च किया। हमें मालूम पड़ा कि यह वीडियो 13 दिसंबर 2019 से इरफान बागवान जीएफसी नाम के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। हमने देखा कि इस वीडियो पर एलटीवी एक्सक्लूसिव का वाटरमार्क था। हम इस एलटीवी के फेसबुक पेज पर पहुंचे, जहां हमें यही वीडियो 12 दिसंबर 2019 को अपलोड किया हुआ मिला। इसे देखने पर पीछे एक गेट दिखाई देता है। मालूम पड़ा कि यह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का गेट है। आप इस वीडियो के बैकग्राउंड को बीएचयू के गेट की तस्वीरों के साथ देख सकते हैं और तुलना कर सकते हैं। हमने बीएचयू के अपने एक सोर्स से संपर्क किया, जिन्होंने हमारी बात इस शख्स से करवाई जो इस वायरल वीडियो में दिख रहे हैं। इन्होंने हमसे गुजारिश की कि इनकी पहचान उजागर न की जाए, इसलिए हम उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। बातचीत के दौरान इन्होंने हमें बताया कि वो एक राजनीति विज्ञान शोधकर्ता हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दिसंबर 2019 में बनारस में बीएचयू के मेन गेट पर उन्होंने ही ये इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा कि उस समय जो भी कहा गया वो राजनीतिक संदर्भ में था और इसे अभी बिना किसी संदर्भ के शेयर किया जाना ठीक नहीं है। यानी जिस वीडियो को गुजरात के डीपीएस राजबाग के टीचर शकील अहमद अंसारी का बताया जा रहा था, वो असल में बनारस का वीडियो है और उसमें दिख रहा शख्स एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है।